नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले का खट्टा मीठा अचार। आंवले को आप किसी भी रूप में खाएं, हमेशा हेल्दी होता है। और इसमें हम डाल रहे हैं मीठे के लिए गुड़ और ढेर सारे मसाले, वो सब भी बहुत हेल्दी हैं। और ये अचार बहुत टेस्टी होता है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। एक बार बना के रख लें, साल भर तक आप इसे खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आंवले उबाल लेते हैं। तो बर्तन में हमने 1 कप पानी डाला और ये हो गया 2 कप। फ्लेम ऑन कर देते हैं, पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया। ये 250 ग्राम आंवले हैं मीडियम साइज के, इन्हें हम पानी में डालेंगे और हल्के नरम होने तक उबलने देंगे। ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। आंवले को चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम चाकू लगाकर देखें तो चाकू इजीली आंवले के अंदर जा रहा है। ये नरम हो गए हैं, उबल चुके हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं। इन्हें उबलने में 10 मिनट लगे हैं। इन्हें हमने लो मीडियम फ्लेम पर उबाला है। आंवले थोड़े ठंडे हो गए हैं, इनके हम पीसेस बना लेते हैं। तो इनके पीसेस बड़े आराम से कि कलियां खिल जाते हैं इस तरीके से। तो ये आंवले के पीसेस बनाकर तैयार कर लिए। अब इसका अचार बनाते हैं। तो ये एक कढ़ाई ले ली, फ्लेम ऑन कर दी है। आंवले का अचार बनाने के लिए आप स्टील की कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई या हार्ड एनोडाइज्ड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अल्मूनियम की कढ़ाई में आंवले का अचार मत बनाइए। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। ये दोनों तेल अचार के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गरम तेल में डालेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत सौंफ के दाने और 1 छोटी चम्मच मेथी के दाने। हल्का सा भूनते हैं इन्हें। फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। और ये 1 बड़ी पिंच हींग, इससे अचार का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये 1 टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक, अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और अब ये आंवले, और भी मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 3 छोटे चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर से अचार बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, इसीलिए हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 छोटी चम्मच और ये काला नमक 3/4 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। और अचार को मीठा करने के लिए गुड़, ये लिया है हमने 3/4 कप गुड़। गुड़ को बारीक तोड़ लिया है, 150 ग्राम गुड़ है ये। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हैं और धीमी गैस पर अचार को कुक होने देते हैं जब तक कि गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम हमने धीमी कर रखी है ताकि गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो, अचार जले ना। इसे हम 5-6 मिनट इसी तरीके से कुक करते रहेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है, आंवले से जूस बाहर आ गया है और ये अचार थोड़ा पतला पतला सा दिखाई देने लगा है। तो हम इसे थोड़ी देर और कुक करते हैं, थोड़ा सा इसे गाढ़ा होने तक। ये काफ़ी थिक दिखाई देने लगा है और ठंडा होकर ये और भी थिक हो जाएगा। बस अब इसे कुक करना बंद कर देते हैं। इसे आप आंवले की खट्टी मीठी लौंजी भी बोल सकते हैं। आंवले का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार है, लेकिन आप इसे 2 दिन के बाद खा सकेंगे जब तक मेथी के दाने, सौंफ के दाने फूल जाएंगे और आंवलों के अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी अचार हो जाएगा ये अचार, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के कंटेनर में या फिर फूड ग्रेड कंटेनर में भरकर रख लीजिए और लंबे समय तक खाते रहिए। आप जब भी अचार निकालें, साफ़ और सूखी चम्मच का यूज कीजिए। हाथ भी सूखे होने चाहिए, अचार बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो आप ये आंवले का अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।